हर इंसान का बैक्टीरिया गट अलग होता है, हर इंसान के हार्मोन के काम करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का आरएनए डीएनए अलग होता है, ब्लड ग्रुप अलग होता है, जीन्स जेनेटिक्स अलग होते हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है, हर किसी का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होता है, हर किसी का एक्शन रिएक्शन डिफरेंट होता है, हर किसी की बॉडी की बायोलॉजी डिफरेंट होती है, हर किसी की सोच समझ डिफरेंट होती है। देन व्हाई आर यू पुटिंग ऑन ये सिंगल मेथड, कैलोरी डेफिशिएंट कैलोरी डेफिशिएंट कैलोरी डेफिशिएंट, वेट लॉस करना है कैलोरी डेफिशिएंट, एटलीस्ट ये तो देख लो सामने वाला कहीं हाईली स्ट्रेस लेवल में तो नहीं है, उसका वो स्ट्रेस कम करते उसका वेट कम हो जाएगा। बट नो, यू आर पुटिंग कैलोरी डेफिशिएंट, वेट लॉस का एक ही ब्रह्मास्त्र है कैलोरी, कैलोरी तो कैलोरी डजंट वर्क इन योर लाइफ स्टाइल। तो आप सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में, बी प्रैक्टिकल, क्या ये पॉसिबल है कि आप हर जगह कैलोरी काउंट करके खाओ? और बाई चांस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर आपने कैलोरी काउंट कर भी लिए, तो लाइफ में कितने दिन कैलोरी काउंट करोगे? 1 महीना करोगे? 2 महीना करोगे? जितना जितने जितना दिन प्लान का पैसा भरा है उतने दिन करोगे? उसके बाद करोगे तो बता दो। इसीलिए 97% वेट लॉस रिजल्ट फेल होते हैं, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि आप हॉलिस्टिक अप्रोच पर काम नहीं कर रहे। जितने भी जेन्युइन डाइटिशियंस हैं वो कभी भी कैलोरी की बात नहीं करते, वो बात करते हैं हॉर्मोन्स की। तो फर्स्ट बैलेंस योर हॉर्मोन, क्लीन योर बॉडी, अपने ऑर्गेन्स पे काम करना शुरू करो, तब जाके आपको वेट लॉस के सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी लाइफ स्टाइल पर काम करो। देखो, आप बचपन से ना मोटे पैदा नहीं हुए, आप बचपन से अनहेल्दी पैदा नहीं हुए, आप बचपन से बीमार पैदा नहीं हुए, आप समय के साथ 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 चलते चलते बीमार होते गए, मोटे होते गए, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता रहा, धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहा, धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा, धीरे धीरे आपको प्री डायबिटीज डायबिटीज होती रही, धीरे धीरे आपका किडनी लीवर फेल होते रहे। समय के साथ क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप अनहेल्दी हुए, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगा? क्या आप बचपन से हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खा रहे नहीं खा रहे थे इसलिए आपका वजन बढ़ गया? क्या आप बचपन से हेल्दी फाइव प्रो का प्लान नहीं लिया तो आपका वेट बढ़ गया? क्या आपने बचपन से किसी बड़े डाइटिशियन से डाइट प्लान नहीं लिया तो आपका वेट बढ़ गया? अरे नहीं सर, नहीं मैम, आपका वेट लॉस बढ़ा बिकॉज टाइम के साथ साथ आपकी खाने की आदतें, सोने की आदतें, उठने की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीन टाइमिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ में बिगड़ती गई, आप इनको मैनेज ही नहीं कर पाए, और फिर आपका बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहे, हार्मोन इंबैलेंस होना शुरू हो गए और आपका वेट बढ़ने लग गया।